नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द बोले स्टडी पॉइंट और आज के करंट इश्यूज में। साथियों, आज के करंट इश्यूज में हमारे पास जो टॉपिक है वो है, ये न्यूज़ कब की है? तो ये न्यूज़ है ट्यूजडे की। ये न्यूज़ कब की है? ट्यूजडे की। आज कौन सा डे है? आज थर्सडे है, कल वेटनर्स डे था, यानी कि ये 31 अगस्त की न्यूज़ है। 31 अगस्त की ये न्यूज़ है। क्या है? तो एक्सटर्मेंट ऑर्डर्स मस्ट बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस पे फैसला सुनाया गया कि एक्सटर्मेंट ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही लागू होने चाहिए। तक सभी तरह के केसेस में एक्सटर्मेंट ऑर्डर लागू नहीं हो सकता। सबसे फर्स्ट चीज़ हम लोगों को जानना है कि एक्सटर्मेंट ऑर्डर क्या होता है। तो एक्सटर्मेंट का मतलब होता है जिला निष्कासन। जिला निष्कासन इसका मतलब होता है, या फिर जिला बदर। जिला बदर भी इसका मतलब होता है। मतलब किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाता है, तो उस जिले के प्रशासन के द्वारा उसको एक्सटर्मेंट ऑर्डर सुनाया जाता है। मतलब उसको जिला से निष्कासित करने का ऑर्डर दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम जिला में दिख गए तो पकड़ के तुमको सलाखों के पीछे हम डाल देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इस केस को समझते हैं, केस क्या था और कहाँ का ये घटना है। साथियों, ये घटना है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, जिनका नाम था रहमत खान नामक एक जर्नलिस्ट थे। उनको महाराष्ट्र में अमरावती सिटी मतलब अमरावती जिला प्रशासन के द्वारा, अमरावती पुलिस के द्वारा उनको यह ऑर्डर दिया गया कि तुम इस जिले में दिखाई भी नहीं देना। इस जिला और साथ ही साथ अमरावती के किसी भी रूरल एरियाज में तुम दिख गए, तुमको पकड़ के जेल के पीछे, मतलब सलाखों के पीछे हम डाल देंगे। ऐसा कौन बोला? तो अमरावती जिला प्रशासन के द्वारा रहमत खान को बोला गया। क्या कारण था कि ऐसा उनको बोला गया, और क्या इस तरह का जो ये चीज़ है, ये चीज़ सही है या गलत है? सबसे पहले हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में एक एक्ट है, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 के द्वारा पुलिस प्रशासन के पास यह पावर है कि वह कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाता है, फिर इसके अगर फिट बैठता है, मतलब वह ऐसा काम करता है कि जिस वजह से उसको एक्सटर्मेंट ऑर्डर देना पड़ता है, तो दिया जा सकता है महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 के तहत। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा आपराधिक मामलों में संलिप्त पाया जाता है तो उसको ये चीज़ सुनाया जा सकता है। इसमें पुलिस का कोई गलती नहीं। तो फिर रहमत खान सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुँच गए? साथियों, अगर आप इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल्स का अच्छे से नॉलेज रखते हैं तो आप लोगों को आर्टिकल्स 19 को याद करना चाहिए। आर्टिकल्स 19 हम लोगों को फ्रीडम ऑफ राइट देता है। आर्टिकल्स 19 हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों को राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, हम लोगों को बोलने का अधिकार है, बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है। उसी तरह से हम लोगों को किसी जगह पे आ जा सकने का भी अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है। उसी स्वतंत्रता के अधिकार में हम लोगों को किसी भी जगह पे आने और जाने का भी अधिकार है। तो आर्टिकल 19 है क्या? ये फंडामेंटल राइट, यानी कि रहमत खान को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, उनके फंडामेंटल राइट को सप्रेस किया जा रहा है। ये तो समझ गए। उसके साथ साथ आर्टिकल 32
अगर आपको याद है तो आर्टिकल 32 हम लोगों को यह अधिकार देता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं। उसी तरह से आर्टिकल 226 भी हम लोगों को यह अधिकार देता है कि जैसे देश के सुप्रीम कोर्ट में हम अपना याचिका दायर कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 226 भी हम लोगों को यह राइट देता है कि हम लोग राज्य के भीतर हाई कोर्ट में अपना याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब हाई कोर्ट जाने का अधिकार आर्टिकल 226 देता है और आर्टिकल 32 हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। ये बिल्कुल क्लियर। तो रहमत खान को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है, उसको सप्रेस किया जा रहा है, इसी वजह से आर्टिकल 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जब वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र पुलिस को यह ऑर्डर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र पुलिस को यह ऑर्डर दिया गया कि आप किसी भी पर्सन को किसी जगह पे आने और जाने से रोक नहीं सकते हैं, वह उसका फंडामेंटल राइट है। तो क्या पुलिस जो एक्सटर्मिनेट ऑर्डर इनको इनके ऊपर लाई थी, पुलिस के द्वारा यह गलत काम है? नहीं, गलत काम नहीं है। अगर आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से स्टडी किए हैं, बहुत सारे जो बात विवाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू वाला जो घटना याद है, जिस समय राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के और फंडामेंटल राइट को लेकर के जो वाद विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसी समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी ज़्यादा बड़ा है फंडामेंटल राइट। यानी कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट को महत्व दिया जाना चाहिए रेदर देन DPSP को महत्व दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जवाहरलाल नेहरू के समय जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के बाद विवाद चल रहा था, उसमें यह फैसला अपना सुना चुका था कि फंडामेंटल राइट बड़ा है किसी भी अन्य तरह के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी अदर पार्ट से फंडामेंटल राइट बड़ा है। तो ये यहाँ पे क्लियर है। अब घटना क्या है, एक्चुअली में रहमत खान जो जर्नलिस्ट थे, जो पत्रकार थे, ये अमरावती सिटी में जो मदरसा था वहाँ पे, जिस मदरसे को सरकार के द्वारा कुछ फंड दे करके और वहाँ पे सरकार जो मदरसों को चलाने के लिए जो फंड पास करती है, फंड देती है, कुछ रुपया पैसा देती है, धन देती है मदरसा को चलाने के लिए, उसी पे रहमत खान RTI लगाते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत यह मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जिला प्रशासन महोदय, आप हमको जानकारी दीजिए कि आपने सरकार के द्वारा अभी तक जो धन दिया गया है मदरसा को चलाने के लिए, उसमें से कितना धन आवंटित किया गया है, कितना धन मदरसा को दिया जा चुका है। मदरसा होता क्या है, तो मुस्लिम में बच्चे को जिस जगह पे पढ़ाया जाता है तो हम लोग विद्यालय बोलते हैं, वो लोग उस जगह को मदरसा बोलते हैं। तो मदरसा को अभी तक कितना धन दिया जा चुका है, ये मांग किया गया रहमत खान के द्वारा किससे, जिला प्रशासन से। जिला प्रशासन से जैसे ही इस चीज़ का मांग किया गया कितना पैसा दिया जा चुका है, कितना पैसा नहीं दिया जा चुका है, जिला प्रशासन इस चीज़ की जानकारी देने ही वाली थी। मतलब जिला प्रशासन इस तरह की चीज़ की तैयारी कर रही थी और रहमत खान को ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें कुछ घोटाला हुआ, इस वजह से इस चीज़ की हम मांग करते हैं। और जैसे ही यह मांग करते हैं तो इसमें डिले होता है, तो यह जिला जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर के पास जा करके यह बोलते हैं कि हमको RTI के तहत यह जानकारी नहीं दिया जा रहा है कि सरकार के द्वारा मदरसा को चलाने के लिए जो धन दिया जाता है वो धन अभी तक कितना आवंटित किया जा चुका है, यह जानकारी हमको नहीं दिया जा रहा है। ये जिला अधिकारी और जो कमिश्नर रहते हैं उनसे जा करके मिल करके ये अपना बात वहाँ पे रखते हैं। वाकई में होता है कि जैसे ही RTI लगाते हैं तो जो जो लोग इस घपला मतलब घोटाला में शामिल रहते हैं वो इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू करते हैं कि तुम जल्दी से यह RTI वापस लो। और जैसे ही जिला प्रशासन इस घटना के ऊपर जांच बैठाती है
वैसे ही जो जो लोग इस घोटाला में शामिल रहते हैं वो लोग रहमत खान के ऊपर ढेर सारा केस आकर के कर देते हैं, ढेर सारा इनके ऊपर केसेस लाद देते हैं, मतलब तरह तरह का बहुत सारा लोग मिल करके इनके ऊपर अलग अलग तरह का केस का मामला दायर कर देता है। और जैसे ही ये चीज़ होता है तो अंत में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा यह निर्णय लेना पड़ता है इनको जिला निष्कासन ऑर्डर देने का, कि अगर तुम जिला में कहीं भी दिख गए तो समझ लेना तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको सलाखों के पीछे पड़े तुम नजर आओगे। इनको क्या कर दिया गया, जिला से निकालने का ऑर्डर दिया गया कि अमरावती और उसके किसी भी रूरल एरियाज में तुम दिख गए तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही ये काम किया गया तो भाई जो थे ये जर्नलिस्ट, अब जर्नलिस्ट हैं इनका तो दिमाग तब्दील था, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान थे, इनको आर्टिकल 19 याद आया, आर्टिकल 32 याद आया, ये सब जैसे ही याद आया कि आर्टिकल 19 हमको राइट टू फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है और किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी जगह आने और जाने का अधिकार है, उसको विचरण करने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे ही इन सब चीज़ों को इनको जानकारी हुआ ये सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन अदर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट सबसे बड़ा है, आपका जो एक्सटर्मेंट ऑर्डर है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए, उसका उसको सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया। आई होप आप लोगों को यह घटना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।